वेलकम टू ज्ञानम चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रेशियो चैप्टर से रिलेटेड है। हमने इस क्वेश्चन को x या किसी और वेरिएबल की हेल्प से नहीं करना, हम इसको रेशियो की बड़ी सिंपल अप्रोच से करेंगे। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इसमें बोला गया कि हमें ये नहीं पता कि बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली में कितने हैं, बट हमें बोला गया है कि अगर मैं 15 गर्ल्स को निकाल दूं तो रेशियो क्या बन जाती है, 2:1। आफ्टर डिडक्टिंग 15 गर्ल्स फ्रॉम द इनिशियल गर्ल्स तो रेशियो क्या बन जाती है, 2:1। उसके बाद बोला गया कि आफ्टरवर्ड अगर मैं 45 बॉयज को निकाल देता हूं तो रेशियो क्या बन जाती है, 1:5। व्हाट इज आस्किंग टू फाइंड इन द लास्ट, वो ये बोल रहा है कि हमें लास्ट में ये बताओ कि इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट कितनी थी ग्रुप में। तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हमें ये नहीं पता कि बॉयज एंड गर्ल्स की गिनती क्या है, हमें नहीं पता बॉयज एंड गर्ल्स की इनिशियली काउंटिंग क्या है। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर मैं 15 गर्ल्स यहां से निकाल देता हूं तो मेरी रेशियो क्या बन रही है, 2:1। अगर मैं 15 गर्ल्स को निकाल देता हूं तो रेशियो क्या बन रही है, 2:1। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कहता आफ्टरवर्ड इस रेशियो के बाद क्या हो रहा है, अगर मैं 45 बॉयज को निकाल देता हूं तो रेशियो क्या बन रही है, 1:5। तो हमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें गर्ल्स निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं सेकंड स्टेप के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूं, बॉयज को निकालने के बाद रेशियो तो जरूर कम हो रही है बॉयज की, लेकिन गर्ल्स में तो कोई ट्रांजेक्शन आना ही चाहिए। गर्ल्स तो पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी है, क्योंकि हम एट अ टाइम बॉयज में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गर्ल्स का तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। अगर मैं बोलूं कि गर्ल्स पहले भी गिनती में इतनी है, अब भी गिनती में उतनी है, तो गर्ल्स की अगर काउंटिंग सेम रहेगी तो गर्ल्स का रेशियो का पार्ट भी तो सेम रहेगा। गर्ल्स रेशियो में यहाँ पर क्या है, 5। क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी रेशियो में क्या होंगी, गर्ल्स 5, क्योंकि बॉयज में ट्रांजेक्शन हो रही है, गर्ल्स में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। गर्ल्स यहाँ पर रेशियो में क्या है, 5, तो मैं यहाँ पर भी 5 बनाऊंगा। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। सबको क्लियर है चीज, क्योंकि गर्ल्स का पार्ट क्या था, सेम। तो मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 को, तो इस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 10। तो मैं बोल सकता हूँ कि काउंटिंग में बॉयज कितने कम हो रहे हैं, 45, और नंबरिंग में कितने कम हो रहे हैं, सॉरी काउंटिंग में 45, रेशियो में कितने कम हो रहे हैं, 9। तो मैं बोल सकता हूँ 9:45, 1:5। रेशियो में बॉयज का जो काउंटिंग है वो 9 कम हो रहा है, और काउंटिंग में सॉरी नंबरिंग में कितना कम हो रहा है, 45। तो एक हिस्सा किसके बराबर है, 5। अगर मैं इस 1:5 को यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो कितने बॉयज आ जाएंगे, 50। अगर मैं इस 1:5 को यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, यहां पर 25। कहते हैं इस एक हिस्से को जो कि 5 के बराबर है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर बॉयज की स्ट्रेंथ क्या है, 50। अगर मैं इस 1:5 को यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्या है, 25। तो फ्रेंड्स हमें ये पता लग गया कि यहां पर गर्ल्स की काउंटिंग क्या है, 25, और यहां पर बॉयज की काउंटिंग क्या है, 50। लेकिन आपने ये चीज देखी कि अगर हमने 15 गर्ल्स को निकाल दिया, देन वी आर एबल टू फाइंड इन द सेकंड स्टेप वी हैव 25 गर्ल्स, तो इसका मतलब इनिशियली में गर्ल्स कितनी होंगी, 40। अगर हमारे पास 15 गर्ल्स निकालने के बाद यहां पर 25 गर्ल्स हैं तो स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी होंगी, 40। बिकॉज अगर हमें, चलो ये बोल सकता हूं कि मैं 15 गर्ल्स निकाल दी तो मैं बोल सकता हूं 25+15 कितना आ जाएगा, 40। अगर हमें इसी क्वेश्चन में इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज बोला जाता तो मैं बोल सकता हूं कि इस बार यहां पर गर्ल्स में ट्रांजेक्शन हो रही है, बॉयज का पार्ट तो सेम रहेगा। अगर यहां पर 50 बॉयज हैं तो इनिशियल में बॉयज भी कितने हैं, 50। तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं कि आफ्टर डिडक्टिंग 15 गर्ल्स वी लेफ्ट विद ओनली 25 गर्ल्स, तो हाउ मेनी गर्ल्स इनिशियली प्रेजेंट, 40 गर्ल्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही इजी अप्रोच से किया, हम बहुत सारे क्वेश्चन इस अप्रोच से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।